दिख रहे हैं मस्त। तो भैया कटलेट कैसा लगा आप लोगों को? वेलकम बैक टू माई डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग और मैं हूं आपका छोटा भाई मिस्टर एच के सोनी। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को हेलो। दोस्तों फिलहाल मैं आज है 30 तारीख और अभी टाइम हो रहा है 8:30। मैं जा रहा हूं दुकान वगैरह का तैयारी करने के लिए। यार उससे पहले आप लोग जो भी चैनल पे नए हो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए हम लोग फटाफट से चलते हैं अपने दुकान वगैरह का तैयारी करने के लिए। यार अदर वीडियो में भी यार आप लोग थोड़ा सपोर्ट किया करो भाई, यार कैसे कर दो यार। इधर पूरा सामान रखा हुआ है, चलिए चलते हैं हम लोग। तो फिलहाल में मैं पूछ रहा हूँ मसाला अभी, और पता है आसपास में ना एक दो जगह सत्संग हो रहा है, तो भाई कोशिश करूंगा ना कि पता है आज मेरा दुकान खुल रहा है मंगलवार है, कल शायद दुकान बंद रहेगा क्योंकि कल मम्मी का कहना है कि कल दुकान नहीं खुलना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं खुलना चाहिए, लेकिन मम्मी का कहना है कि कल दुकान नहीं खुलेगा, कल रेस्ट रहेगा और मम्मी सत्संग वगैरह देखने जाएगी और हम लोग बोल रही थी तुम लोग भी चलो। देखते हैं कल ही बताऊंगा भाई। अब तो भाई साहब ये देखिए कटलेट का तैयारी वगैरह हो गया है, तो चलिए फटाफट से चलते हैं। और मम्मी इधर प्याज वगैरह छील रही है। दोस्तों फाइनली पूरा कटलेट वगैरह बन चुका है, सामान वगैरह रेडी हो चुका है, 1:30 के आसपास हो रहा है, खाना पीना खा के मैं रेडी हो चुका हूँ और बस निकलने वाला हूँ। और भाई 4000 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब है यार, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मम्मी झोला वगैरह लगा रही है, और मम्मी तो कल से एकदम जो है ना एकदम खुश है, और मम्मी आज उपवास है। कैसे मम्मी, पूजा शाम को कितना टाइम होगा? 7 बजे। और उपवास काहे के लिए रहते हैं? अपने पति के लंबी उम्र के लिए, शंकर भगवान का ना। तो फाइनली दोस्तों ठेला वगैरह पूरा लग चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और जो शिक्षा करने वाले लोग हैं ना हड़ताल में, तो भाई वहाँ पर ना सत्संग हरि कीर्तन वगैरह कुछ कुछ हो रहा है, तो भाई बहुत ही ज़्यादा नॉइज वगैरह आएगा। देखते हैं जैसे भी एडजस्ट करेंगे। भाई साहब जा रहे हैं ठेला लगाते रहेंगे, मैं चलता हूँ दोना वगैरह लेने के लिए। तो भाई तो वहाँ शाम को फल वगैरह चढ़ा कि नहीं, तो उसके लिए फल लेने आ गया हूँ। तो भैया के पास से फल ले लेता हूँ मैं, इन्हीं के पास से अक्सर सामान वगैरह जाता है मेरा। केला दे दीजिए, कैसे है? 60 रुपया है, तो एक काम कीजिए 50 का डाल दीजिए केला। भैया तू फल को ले जा, मैं कटलेट वगैरह निकाल ले रहा हूँ। गया जा तू, कटलेट वगैरह निकाल ले रहा हूँ। और भाई साहब फर्स्ट कस्टमर है आज के मेरे। सब कुछ डाला हुआ है और भाई एक दो ठेले लगे हुए हैं। टाइमिंग 3 के आसपास हुआ है, बोनी काफ़ी अच्छा रहा, मतलब 2 पीस कटलेट ही गया लेकिन काफ़ी अच्छा रहा। और बाकी सामान धीरे धीरे निकल रहा है, बहुत लोग उपवास वगैरह हैं और ऑफिस वगैरह बहुत सारे बंद है ना, तो मार्केट स्लो है, लेकिन ये है कि शाम तक मेरा सामान धीरे धीरे निकल जाता है। बाकी एक चीज़ बोलना भूल गया था कि हाँ, आई होप दोस्तों कि हर दिन की तरह मेरा और आप लोगों का दिन काफ़ी अच्छा जाए। क्या बोल रहे? 10 रुपये पीस से 20 रुपये, 2 पीस का 20 रुपये, 1 पीस में बैठ जाइए। मीठा भी डालू? मीठा रहेगा भैया? हाँ विकास भी हैं, जस्ट अभी टिक्की वगैरह सेक रहे हैं मस्त। भाई क्या हाल चाल? लापता थे 2-4 दिन से, बीच बीच में खाली स्थान हो जाते हैं आप, घूमते फिरते रहना चाहिए, जिंदगी कोई भरोसा नहीं है। हाँ तो भैया कटलेट कैसा लगा आप लोगों को? कटलेट वगैरह निकाल लेते हैं। और एक विकास भैया का ठेला लगा है अभी, और 2-3 ठेले इधर लगे हुए हैं, धीरे धीरे चौपाटी भर रहे हैं और 4 के आसपास हो गया है टाइमिंग। और भाई सारे के सारे दुकान वगैरह लगी गए हैं चौपाटी में लगभग, लेकिन देखिए भीड़ भाड़ कुछ भी नहीं है, पूरा सुनसान है मार्केट। और मेरे दुकान का भी कुछ ऐसे ही है, भीड़ भाड़ कुछ भी नहीं है, बैठा हुआ हूँ अभी फिलहाल में खड़ा हूँ।
ओ भाई देखते हैं अब शाम तक कैसा रहेगा। और आज मन नहीं, आज मैंने कल बुधवार का बस चालू कर दूंगा, मैं कल नहीं खुलेगा दुकान, कल का बस परसों चालू हो जाएगा, बस नहीं खुलेगा वो शरीर में जान रहे सब देख रहा है मेरा हाथ में शरीर, रेस्ट नहीं ले पा रहा हूँ यार, एक दिन रेस्ट मिला तो कुधर घर चला गया घूमने, इसको रेस्ट नहीं बोलते हैं थकना बोलते हैं। भाई आज बैठा ही हो रहा है लेकिन थोड़े मोड़े पार्सल के हैं ना, तो एक ट्रे अभी तक निकला है मेरा और टाइमिंग 6 के आसपास हो रहा है, एक ट्रे पूरा बचा है मतलब 8-9 के आसपास हो जाएगा और सामान पार्सल जाएगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, देखते हैं अब जैसा भी रहे। और पूरा शरीर जो है ना थका हुआ है और मेरे कल मेरा दुकान बंद रहेगा, कल थोड़ा रेस्ट वगैरह करूँगा, मम्मी का कहना है कि एक दिन रेस्ट मतलब दुकान बंद रहना चाहिए क्योंकि कल कुछ काम वगैरह भी इसके चक्कर में जो भी रीज़न होगा। और फिलहाल में मैं खा रहा हूँ अभी कटलेट, सामान वगैरह पूरा फिनिश हो गया रख लिया है मैंने, कटलेट खाता हूँ निकलता हूँ, टाइमिंग 7:30 के आसपास हो रहा है तो टाइम लगभग 9 के आसपास हो रहा है। तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग जो भी मेरे चैनल पर नए हो ना भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो दोस्तों फिलहाल में आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अरे मम्मी गजब, तो मम्मी पूजा करके आ गई है, उसके बाद सुबह पूजा करने फिर से जाएगी। वाह माँ तू तो एकदम क्यूट लग रही है, सो क्यूट।